अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे भाई। और आज हमारा संडे है और मौसम बहुत ज़्यादा, बादल जो है वो काले काले छाए हुए हैं। रात को बारिश हुई भी है, थोड़ा थोड़ा गीलापन आपको नज़र आ रहा होगा रोड के ऊपर, थोड़ा वहाँ पानी भी खड़ा हुआ है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है वैसे, बट देखते हैं। मैं आज कैप लगा के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अबर हुआ हुआ है, लगा रख लिया, मैं लगा लूँगा फिर बाद में। तो खैर अभी काम पे जा रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में, मिलते हैं इंशाल्लाह। और ये वाले फूल चेक करें यार, ये कौन सा फूल है यार, इतना खूबसूरत लग रहा है और इतना सारा निकला हुआ है, ये पूरा एक फील्ड भरी हुई है यहाँ से वहाँ तक, तो वो आगे तक, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये किस चीज़ का फूल है? अच्छा भाई, तो हमारा तो दिन इख्तिताम पजीर हुआ। बाहर अब आज वैसे भी थोड़ी सी अबर हुआ हुआ था और मैंने जाते जाते देखी है काला पापलेट और अच्छी मछली लग रही है मुझे, बट मसला ये है कि ये कटी हुई नहीं है। इसका सब कुछ आपने ख़ुद निकालना पड़ेगा, आँखें और ये वो ना, ये बड़ा मसला है यहाँ पे ना। अब ले तो ले इंसान, पर निकालेगा कौन ये चीज़ें, देखते हैं अभी। मैंने तो ले लिए 4 पीस काला पापलेट के। अब इसका एक इम्तिहान ये है कि हमें इसको, वैसे तो और भी मछलियां हैं बहुत सारी, बट यहाँ पे मसला ये है कि पूरी की पूरी साबुत होते हैं, ये अलग है। अब इन मछलियों का पता नहीं कि ये हैं कौन सी। तो यहाँ पे कुछ झींगे वगैरह भी हैं वैसे तो, किंग प्रॉन और इस तरह की चीज़ें, बट ये है कि अब खुद ही साफ़ करना पड़ेगा सब कुछ जाके घर पे। और ये तालाब मछलियों को अब वो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कहते हैं इसको, डीप क्या करना, पानी में रख रहा हूँ। वो तो मैं, मुझे भी पता है इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, पानी में रखना मछली, क्या क्या करना होता है, डीप फ्रोज करना होता है। वो तो फ्रोज थी, डीप फ्रोज कर रहा है तला, डीप फ्रीज जो भी है। ये कल हम बनाएंगे इनको, अभी हम सफाई करेंगे इनकी। बहुत गंदी बदबू है, कहाँ है देखें, तो मछली में से गंदी मछली है, बदबू कहाँ से आई, मतलब वही वो मछली वाली। खाते नहीं हो तुम? खाता तो तुम बहुत शौक से, बनी बनाई खाता। अभी सफाई भी करनी है बेटा, करना पड़ेगी। ओके, तो कदीर का साहब इज डूइंग व्हाट? कदीर भाई क्या कर रहे हैं आप? मछली की सफाई। आज तक कभी किए? दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये आपके हाथों पे क्या है? कदीर बहुत बड़े शिकारी हैं मछलियों के। मैं फिशरी जाता था ना, तो वहां से लेके आता था, वहां पे कटी कटाई मिलती थी। बट यहाँ पे ये देखें, इसका सर भी था जो कि काट दिया, खुद काटनी पड़ती है। लोग तो इसका सर भी खाते हैं ना, चला तुम भी खाते हो? हाँ हाँ, नेवर। तुम तो मेरा सर खाते हो। हाँ, पर आपका सर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तो ये भाई की शक्ल देखें, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा फिश को साफ करना, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल है और गन भी बहुत ज़्यादा है। कदीर भाई इधर देखें, किसको अच्छा लगता है? हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रात को खाना खा के हम सो गए थे, हमने व्लॉग नहीं बनाया था। ये बेसिकली व्लॉग जो बना रहा हूँ आज की, जो एक स्टोरी थोड़ी सी शेयर करूँगा, ये वक़ार ख़ान जो हमारे भाई हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप जो है ना अपनी पूरी स्टोरी बताएं कि फिनलैंड कैसे आए थे आप और फिर आपने फिनलैंड को क्यों चूज़ किया। तो मैं स्टार्ट से इस तरह से बताता हूँ कि भाई मैं और आसिया दोनों जॉब्स करते थे और 2022 में हम लोगों ने, मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था एक सीनियर पोजीशन के ऊपर, और आसिया जो थी वो भी एक अच्छी मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर एक सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। हम दोनों की सैलरीज अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, बट ऑब्वियसली बात है कि
पाकिस्तान के हालात को देखते हुए थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया पहले कि हम लोग यूके जाते हैं, और यूके जाने के लिए हम लोग सबसे पहले गए एक कंसल्टेंट के पास, क्योंकि उस वक्त यूके का ही होता है यूके, सबसे पहला जो भी इंसान बाहर जाना चाहता है वो पहले अपने लिस्ट में मतलब यूके, कनाडा, यूएसए, इस तरह की कंट्रीज़ को ही रखता है। तो हमने भी पहले यूके को ही रखा था, और उसके बाद जो है वो फिर हम एक कंसल्टेंट के पास गए। उस कंसल्टेंट ने हमें सब कुछ बताया और ये बताया, जिसके बाद मतलब मैं टोटल आपको एक सारे वो लवाजमात काट के बताऊं, तो उन्होंने बोला कि आपका तकरीबन 1 करोड़ तक का ख़र्चा था हमारा, विद ये बैंक स्टेटमेंट शो और फीस और ये सारी चीज़ें हटा के, विच वॉज टू मच। हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा था नहीं, तो हमने फिर अपना यूके, हालांकि हमने एडमिशन अप्लाई करने का भी सोच लिया था, ये कर लिया था, बट जब बैंक स्टेटमेंट की बारी आई तो वो हमारे पास इतना नहीं था, तो हमने ज़ाहरी बात है उनको फिर मना कर दिया, यूके के आइडिया को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने अल्लाह भला करे आपका स्वीडन चुना। स्वीडन में हम लोगों, मेरा एडमिशन भी हो गया था ठीक है, और हम लोग जो है वो हमने दोनों ने ही अप्लाई किया था। हम लोग एक कंसल्टेंट के पास गए, उनको कहा कि हम स्वीडन जाना चाहते हैं, और पैरेलल में अगर वो फिनलैंड भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो उन्होंने हमारी हम दोनों की दो कंट्रीज़ में अप्लाई किया, स्वीडन के लिए भी अप्लाई किया और फिनलैंड के लिए भी अप्लाई किया। अच्छा हुआ ये कि फिर कुछ अर्से बाद स्वीडन का हमारा एडमिशन आ गया। स्वीडन का एडमिशन आने के बाद हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए कि हम स्वीडन जा रहे हैं, तो हमने स्वीडन के लिए ही अपनी सारी कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई। फिर इसी असना में जो है हमारे पास फिनलैंड का एडमिशन भी आ गया, आसिया का और मेरा। अच्छा फिनलैंड में हम दोनों का एडमिशन आ गया था कि आप दोनों में से जो भी आना चाहे वो आ जाए, हमने दोनों को अलग अलग अप्लाई किया था। जब हम लोगों ने फिनलैंड के लिए जब हमें फिनलैंड की वो रिसीव हुई कि भाई आप लोगों का फिनलैंड का एडमिशन हो गया है, तो और हमारी कुछ लिमिटेड टाइम था हमें फ़ीस भरने के लिए, उसमें जो वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट अगर हमें अवेल करना था, तो उसमें हुआ ये कि हम लोगों ने जब इसको अप्लाई किया स्वीडन के लिए, तो स्वीडन कि जब हमें पता चला, हम काफ़ी अर्से तक बैठे रहे कि अब कुछ आएगा फिर स्वीडन से, अब कुछ आएगा, बट जैन देन जब हम कंसल्टेंट के पास गए तो कंसल्टेंट ने हमें बताया, हमने बेसिकली कंसल्टेंट को बताया कि यार स्वीडन की तो एम्बेसी क्लोज हो गई है पाकिस्तान में, उस वक्त कुछ दहशतगर्दी के वो था, ख़तरा वतरा था, उस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में एम्बेसी ही क्लोज़ कर दी अपनी। तो उन्होंने एम्बेसी क्लोज़ कर दी और वहाँ भी नहीं जा सके, इन शॉर्ट हमारा स्वीडन का भी नहीं हो सका, तो हम स्वीडन भी नहीं जा पाए। तो फिर हुआ ये कि फिर हम लोगों ने जो है वो आखिरी, मतलब मैं आपको बताने का मकसद ये है कि फिनलैंड भी हमारी पहली चॉइस नहीं थी, हमने पहले यूके रखा था, फिर वहाँ नहीं हो पाया तो स्वीडन रखा था, स्वीडन नहीं हो पाया तो देन फिर हमारा फिनलैंड हो गया, और इस तरह से फिर हम लोग फिनलैंड पहुँचे। तो ये छोटी सी कहानी थी, बताने का मकसद ये था कि जब भी आप कभी बाहर जाएं, कभी भी किसी भी कंट्रीज़ में, तो अपने साथ 2-3 ऑप्शन ज़रूर रखें। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने बाहर जाना है, तो 2-3 ऑप्शन होने चाहिए आपके पास, और ये इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो। हमारा भी यही था कि सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, अगर नहीं होता तो मकसद तो देखें ये था कि पाकिस्तान से बाहर निकलना है और किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना है, बट अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है तो फिर हम कहीं भी चले जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, फिर हम लोगों ने वो अर्ली बर्ड हमें जो डिस्काउंट मिला था, सिनेयोकी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में आसिया का एडमिशन हो चुका था, मेरा भी हो गया था, बट ऑब्वियसली मैंने उसको आगे वो नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि आसिया पढ़े और मैं काम करूँ। तो आसिया का एडमिशन हमने कराया और फिर फ़ी वगैरह पे की, और बस फिर अपॉइंटमेंट ली। हमारा स्पॉन्सरशिप थी हमारी, एक बंदे हमारा एक दोस्त था मेरा, उनके थ्रू स्पॉन्सर मैंने अपने आप को कराया, पैसा हमारा ही था, बस डॉक्यूमेंट्स हमने उनके थोड़े शो कराए थे, तो वो सारी चीज़ें हमने करा के फिनलैंड में हम पहुंच गए। तो ये छोटी सी कहानी थी मेरी वक्कार भाई, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर करी हों। आपने पूछा था कि यहाँ तक आने की कहानी बताया, फिनलैंड कैसे आया जाए, तो भाई ये फिनलैंड आने की कहानी थी मेरी। तो अभी कुछ सवाल आते हैं आप लोगों के, वो भी मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा, और अभी फ़िलहाल बस काम के लिए निकलना है, इंशाल्लाह मुलाकात करते हो थोड़ी देर में। ओके, तो भाई आप लोगों के कमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं।
लाइक एंड करते हैं इस व्लॉग को। आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास कल की वीडियो की वजह से नहीं है तो मतलब थोड़े से ज़्यादा हैं। मुजम्मिल राजपूत ने कहा है मुझसे, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम प्लानिंग टू डू बिजनेस फ्रॉम यूरोप। आई हैव शॉर्ट लिस्टेड टू कंट्रीज, फिनलैंड और जर्मनी। आई एम कन्फ्यूज विच ऑप्शन इज़ बेटर देन मी। मैंने इनको कहा कि जर्मनी आप जाएँ बिल्कुल। उसकी उन्होंने पूछा, वजह भी बता दें। वजह बेसिकली मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो, कंट्री की इकॉनमी बड़ी है, ठीक है, लोग ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। देखें, कभी भी मैं किसी कंट्री में अगर आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इस कंट्री में जाएं फिनलैंड के अलावा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे लैंड करेंगे और अगले दिन आपको कंपनीज़ खड़ी होंगी, हमारे पास आ जाओ हमारे पास आ जाओ, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल वहाँ पर भी करनी पड़ेगी, वहाँ पर भी शायद शुरू में जॉब ना मिले, बट बात होती है इन अ लॉन्ग रन, मतलब आप फ्यूचर को कैसा देख रहे हैं। जर्मनी के बारे में बहुत सारे सबको ही पता है यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे पहुँची मौजूद हैं। आप फिनलैंड की कोई एक बड़ी कंपनी मुझे दिखा दे, ठीक है, नोकिया को छोड़ के, वो भी आजकल के हालात में आप और हम, मुझे सबको पता है, ठीक है। तो आप जर्मनी की कितनी कंपनीज़ गिनवा सकते हैं यार, मतलब इनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कितनी बड़ी है, इसके अलावा ये कितने सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, ठीक है। तो मैं फ्यूचर की बात करता हूँ कि आगे आपका फ्यूचर वहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी भाई ने, सॉरी, तो एक और भाई ने सवाल पूछा, एक मिनट यार, ये चैनल, अच्छा जी। इसके बाद बी फीवर ने पूछा, आईटी का कौन सा कोर्स करें। आईटी में बहुत सारे कोर्स हैं, आप डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की डिग्रीज़ हो गई है, बल्कि तो मेरे ख्याल में बाकी ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गई, एप्लीकेशन डिज़ाइन हो गया, एंड्रॉयड वगैरह की जो एप्लीकेशंस होती है, इस तरह के कोर्सेज को अगर आप कर सकें आप तो कर लें बिल्कुल। भाई अगर वर्क परमिट पे आए तो कैसा रहेगा, और अगर वर्क परमिट पे आए तो कुछ मसला, मतलब फ्रॉड का चक्कर तो नहीं होता। वर्क परमिट सबसे बेस्ट तरीका है फिनलैंड आने का, वर्क परमिट पे ही आए जो भी आ रहा है। बाकी फ्रॉड वगैरह का तो यार आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो बंदा कैसा है जिससे, किसने मिलवाया है आपको, उसकी पूरी छानबीन आपको खुद करनी पड़ेगी। सलाम ब्रो, मैं फ़र्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर देना। क्या पीएचडी स्टूडेंट जिसको पेड मिलती है एडमिशन मिलने के बाद भी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती? नहीं, मेरे ख्याल में उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक सैलरी पे आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो वो एक वर्क वीज़ा टाइप होता है, मतलब रिसर्चर की जॉब ही समझ लें आप उसको, तो उनको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लीज़ सजेस्ट अ वे टू लर्न फिनिश लैंग्वेज। जावियार ने पूछा, जावियार यार ये यूट्यूब के अलावा और तो कोई पाकिस्तान में कुछ है नहीं, तो आप यूट्यूब के ही जरिए फिनिश विद आना करके एक मेरे ख्याल में चैनल भी अच्छा, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, बट आप देख ले उसको, अच्छा चैनल है वो। अस्सलाम वालेकुम भाई, वर्क परमिट पे आने के बाद जॉब के साथ साथ क्या करना चाहिए? पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए यार, कोई भी जो भी मिल जाए वो पार्ट टाइम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा वक्कार भाई, पैसे कम्प्लीट जर्नी फिनलैंड पर बना दें कि कैसे आपका, अच्छा मैंने बता दिया आपके साथ, तो आज की वीडियो वकार भाई आपके नाम वीडियो जल्दी डाल दो, ये जरूर बस सही है, ये आज के सवाल आते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।